नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बी एच यू वाले द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जब से एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2024 का रिजल्ट जारी किया है, तभी से जो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर रहे हैं और आप जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा रहे होंगे अपने मार्क्स के मुताबिक। तो इसी सिलसिले में जो है ना एक और अच्छी यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। कौन सी यूनिवर्सिटी है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह का लास्ट डेट क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और नोटिस आउट डीयू के साथ साथ जो है ना आप यहां भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, मैंने क्यों कहा कि डीयू के साथ आप करा सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी से संबंधित जो सारी जानकारी है ना हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह जो है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, यानी कि यह दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल नहीं है। लेकिन इसकी मांग जो है ना काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन होता है। कम मार्क्स पर इसलिए एडमिशन होता है क्योंकि इसके कोर्स की फ़ीस जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वह 23 तारीख से आ चुका है और 23 तारीख से जो है ना 22 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, 22 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फॉर्म कहाँ से भरना होगा इस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ। तो आपको जो है ना एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि फॉर्म कहाँ से भरना होगा उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन कौन कौन से कोर्स यहाँ पे चलते हैं आप सभी लोग जो है ना देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपके पेपर कोड का नाम दिया गया है, सब्जेक्ट का नाम दिया गया है और डिग्री का नाम दिया गया है। MBA है, MA है, ठीक है ना, MDES है, MA है, MA है, MPH है, MA है, यानी कि MA के ज़्यादातर कोर्स जो है ना इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात कि यह यूनिवर्सिटी आपको मात्र 45% मार्क्स पर भी एडमिशन दे रही है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% आया हुआ है फाइनल ईयर में, तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके CVT PG में तो अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या हुआ है, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो उनके लिए यह जो है ना एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अगर आपका मार्क्स वगैरह जो है कम है ग्रेजुएशन में या फिर CVT PG के स्कोर कार्ड में तब भी, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर पर भी एडमिशन होता है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। और मैंने इसलिए कहा कि डी यू के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय है ना दिल्ली में है और बहुत सारे बच्चे जो हैं चाहते हैं कि मैं दिल्ली में ही रहूं, दिल्ली में ही पढूं, दिल्ली में मेरा कहीं एडमिशन हो जाए। तो ऐसी सोच रखने वाले बच्चों के लिए यह एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप यहां पर ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराइएगा। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन कहां से कराना होगा, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे और यहीं पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है और इधर आपको CVT PG का एप्लीकेशन नंबर डालना है जो कि आपके स्कोर कार्ड पे लिखा रहता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डालकर रजिस्टर कराने के बाद आपको फॉर्म वगैरह जो है भर लेना है। ठीक है, फॉर्म भर लेना है, आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर फिल कर लेना है। देख सकते हैं आप सभी लोग इतने सारे जो कोर्स हैं, प्रोग्राम हैं यहाँ पर चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैकल्टी स्कूल, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि कितने स्कूल हैं, कितने फैकल्टी हैं, कितने सेंटर हैं, कौन कौन से प्रोग्राम जो है यहाँ पे चलते हैं। तो ये और साथ ही ये सारे कोर्स जो हैं यहाँ पर हैं। तो अगर आपके कम नंबर है और आप दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर से कराना चाहिए और क्योंकि दिल्ली में है और आपको तैयारी वगैरह करने का भी मौका मिल जाएगा। तो चलिए यहीं रही विशेष जानकारी, और यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CVT PG से संबंधित सारी छोटी बड़ी जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। अपने साथियों के बीच इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।